तो ये चीज अगर हम बीच में क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझाना होगा, बाकी हम इसमें डेवलप या चेंजेस करेंगे, देखते हैं जो भी पॉसिबल होगा आगे प्ले करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग होता है सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं। अब उनसे क्वेश्चन पूछेंगे रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं, बता देंगे ना उनसे, आप लोग भी बताओ क्या क्यों करते हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, अभी तो बच्चे तो रेडियो अभी नहीं जानेंगे, रेडियो है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं है सर, पहले तो हम लोग जानते कि रेडियो है, हम लोग रेडियो यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी बच्चों को पूछोगे रेडियो क्या है, रेडियो खत्म हो गया है। अब तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, एफएम सुन रहे हैं, एफएम मतलब मोबाइल में। आप ये देखिए अभी भी जो मैथ आता है ना, मैथ आता है इंडिया का जो भी, जिसके साथ भी कमेंट्री जिसको बोलते हैं सुनने के लिए, टीवी गाँव में पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, गांव में जाने के बाद लोग आज भी रेडियो कान के पास रख के ना सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। और इसका मैं अगर आप एग्जांपल चाहते हो तो मैं एग्जांपल दे दूंगा, बहुत सारे हैं, लेकिन जहां लोग टिकट नहीं जानेंगे वहां रेडियो भी, वो थोड़ा ये बड़ा है, कमेंट्री पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं, टीवी का उपयोग क्यों करते हैं, मूवी देखने के लिए, जैसे गाना सुनने समाचार, वैसे टीवी मूवी न्यूज गेम भी खेल सकते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, उपयोग क्यों करते हैं, पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून्स भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं, आप बताओ सर, ड्राइंग करने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं, चित्र बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, किस चीज पे आप चित्र बनाते हैं, पेज पे बनाते, पेज पे ड्राइंग शीट पेज पर बनाते हैं, प्ले करो। पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट शायद समझ में नहीं आएगा, पेपर या कागज आ सकता है, प्ले करो आगे। लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं, पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था, पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर, इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। अभी हमने बोला कि इस प्रकार से सभी कार्यों को कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, अब यहाँ पे उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया बीच में, इन चीजों को देखें और समझें कि इन कार्यों को कर सकते हैं या नहीं। क्या आप सब कंप्यूटर से दोबारा फुला सकते हैं या नहीं? जैसे इस टाइप के कार्य हो गए नहीं कर सकते हम, तो हमने ये चित्र भी दे दिए कि कुछ इस तरीके के कार्य हैं जो हम नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप जब हम क्लास ले रहे थे तो हमने एक क्वेश्चन पूछा किसी स्टूडेंट से कि कंप्यूटर के द्वारा हम बैलून में हवा भर सकते हैं, फुला सकते हैं, नहीं, तो उसने आंसर क्या किया, हाँ सर, हमने पूछा कैसे,
तो जब लैपटॉप लैपटॉप यूज कर रहे थे उस समय नोटबुक, तो नोटबुक से नीचे से फैन का हवा आ रहा था, तो उससे पूछा गया तुमने आंसर ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि सर अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने बताया कि कंप्यूटर से हर कार्य को कर सकते हैं, फिर हमने वहाँ एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसे नहीं है कि हम बैलून के द्वारा बैलून को कंप्यूटर से हवा भर सकते हैं, उनको समझाया तब जाके बड़ी मुश्किल से समझे थे। कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं या नहीं, ये कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा? जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमैटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेंट की फाइल होती है जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन आएगा ही, कर सकते हैं या नहीं, कितने लोग कहेंगे हाँ? आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? सर क्वेश्चन है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स, जनरेशन नहीं, टाइप्स। जनरेशन और टाइप्स में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे जो चीज आ रहा है वही कुछ कुछ उनका नाम क्या कहते हैं? कितने प्रकार के, जैसे ये भी कंप्यूटर है, एक लोग लैपटॉप भी रख रहे हैं, लैपटॉप है, प्लम है और ऐसे वाला आपसे कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ले करो? डेस्कटॉप कंप्यूटर, फर्स्ट कौन सा होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारे पास अभी है। सर एक क्वेश्चन, सर ये सर डिवाइस है कि कंप्यूटर है? कंप्यूटर आपका व्हाट इज कंप्यूटर, मैं ये पूछेंगे कंप्यूटर कितने होते हैं, क्वेश्चन होता है कंप्यूटर कितने प्रकार के। हाँ कितने, ये आप लोग देखो कंप्यूटर, जैसे आपने क्वेश्चन किया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं ना। हाँ, एक ऐसी मशीन है जो विद्युत से चलती है, है ना, तो ये भी तो वही है ना। टाइप टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हो रहा है ना, तो वहाँ पे लिखा था ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा सा पीछे करो वीडियो, आपने शायद मिस किया होगा। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपने मिस किया था सर, आगे करो। डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके चार भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस। डेस्कटॉप कंप्यूटर के चार भाग होते हैं, वैसे कहने को तो आप बहुत सारे आंसर बता दोगे कि सीडी रोम भी होता है, रैम भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन इसके जो मेन भाग होते हैं चार ही होते हैं, उसके अंदर बाकी सब आते हैं, इंक्लूड होते हैं। पहला कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। अब इनके बारे में, सीपीयू और मॉनिटर। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है,
कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माउस का उपयोग किस लिए करते हैं? कोई भी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करना हो तो हम माउस का उपयोग करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। लैपटॉप का एक मिनट स्टेशन है, ये चारों पहले बताए गए ना, पहले चारों एक बार आ जाते उसके बाद हर एक को एक्सप्लेन किया जाता तो वो ज्यादा जो चारों पार्ट्स हैं चारों टाइप के कंप्यूटर जो है ना एक स्लाइड चलिए पीछे चलिए थोड़ा आप एक और पीछे लिए पीछे लिए जहां लिखा ना देयर आर फोर अभी फोर टाइप कंप्यूटर पहले इसको एक्सप्लेन किया जाए फोर टाइप कंप्यूटर कौन सा एक 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 जो डेस्कटॉप पहले आ गया लैपटॉप उसके बाद हर एक को एक्सप्लेन अलग से सर ये जो क्योंकि पहले तो कंफ्यूजन यही बना रहेगा कि चार कंप्यूटर के पोर्शन है अभी डेस्कटॉप के पोर्शन चारों वहीं आगे टच हो गए तो चारों को एक बार बता के उसके बाद फिर एक एक को एक्सप्लेन करें।